नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि एक कंप्लीट कोर्स होगा इंडियन पॉलिटी पे। उस पे फर्स्ट प्रेजेंटेशन हम लोग इस पे करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन, दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। देर इज सेपरेट प्रेजेंटेशन फॉर इंग्लिश मीडियम, बट दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन इन हिंदी मीडियम। जो इंडियन पॉलिटी है उसके कई पार्ट होते हैं, और एसएससी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन नए पैटर्न में आते हैं। अलग अलग टाइप के एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी है या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन कम ज़्यादा होते हैं, उसी के अनुसार जो रोल होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम एसएससी की बात करें, एसएससी सीजीएल की, तो 4 या 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी सेक्शन से हमेशा आएंगे। और जो नया पैटर्न है उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। जो टॉपिक कवर किए जाएंगे या जो पार्ट्स कवर किए जाएंगे उसके अंदर, एक पार्ट में कई टॉपिक होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से रिलेटेड, सरकार की जो प्रणाली होती है, संवैधानिक ढांचा, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार, यूटी एंड स्पेशल एरियाज केंद्र शासित और विशेष क्षेत्र जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती है, असंवैधानिक संस्थाएं भी होती है। असंवैधानिक का मतलब यहाँ पे गैर संवैधानिक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, आरबीआई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है आरबीआई, लेकिन एक स्टेटरी बॉडी है। या फिर नीति आयोग, न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है न स्टेटरी बॉडी है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो वो ये जो अलग अलग टाइप की बॉडी है वो क्या होती है, उसके बारे में इस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ अलग मुद्दे, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके ऊपर, या करंट से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, वो हम लोग अदर इश्यू में डिस्कस करेंगे। ये इतने पोर्शन होता है जो कि इस इंडियन पॉलिटी को पूरा कवर करता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं, और इस पोर्शन से, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो प्रियम्बल और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स उससे रिलेटेड, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आमतौर पर एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता है कि 3 या 4 या 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्या पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। और एक बार अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जीके में भी एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जीके भी एक समझने की चीज़ है, अगर आप अच्छी ढंग से समझें इसको, तो आप 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें से 3 या 4 100% करेक्ट कर सकते हैं। और जितना भी जीके के पोर्शन होते हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, जीके, करंट, करंट के क्वेश्चन ज़्यादातर आमतौर पे नहीं आते एसएससी सीजीएल में, लेकिन जो बाकी पोर्शन आते हैं, सबसे आसान पोर्शन होगा वो इंडियन पॉलिटी होगा। और अगर आपने एक बार अच्छी तरह से इसको कर लिया तो शायद ही आपके कोई मार्क्स कटें, तो ये बेटर होगा, इसको अच्छे ढंग से समझ कर करने की कोशिश करें। एक बार मैं बता दूं कि जो इंडियन पॉलिटी है, एसएससी सीजीएल और बाकी एग्जाम में क्या फ़र्क होता है, जिससे कि एक माइंड में मैप बन जाए कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मोटे तौर पे आप ज़रूर समझें इसको। जैसे मैंने बताया, एसएससी सीजीएल में 4-5 क्वेश्चन आएंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, और जो 4-5 क्वेश्चन होंगे, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। जबकि अगर आप यूपीएससी या एसएससी आईएएस की बात करें, यूपीएससी आईएएस या फिर सीडीएस की बात करें, क्योंकि वो भी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसके क्वेश्चन में और सीजीएल एसएससी के क्वेश्चन में जो मोटे तौर पे फ़र्क होगा वो होता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। अगर आप एसएससी का देखेंगे तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में, अगर मैं बात सीधी एक बहुत सिंपल तरीके से बात करूँ, तो जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, इस तरह क्वेश्चन आएंगे एसएससी सीजीएल में। लेकिन भारत कैसे आज़ाद हुआ और उसके जो एक फीचर्स होंगे वो यूपीएससी में आते हैं।
हालांकि नॉलेज पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अगर हम एसएससी और इसके एग्ज़ाम की बात करें, एचपीएससी के एग्ज़ाम को, तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। जो स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा क्लोज एसएससी सीजीएल के होते हैं। यूपीएससी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ऑब्वियसली जो एचपीएससी या स्टेट सर्विस में कुछ एक 10-10% से लेकर 20% के आसपास है वो स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको मग करना होता है, रट्टे मारने की संभावना ज़्यादा होती है उसमें। उससे सफलता आपको याद होने चाहिए और आपकी समझ भी होनी चाहिए। लेकिन जब यूपीएससी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझ और लॉजिकली माइंड होना चाहिए, वो यूपीएससी वो ज़्यादा देख रहा है। दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बैंक की बात करूं, यहाँ पे बैंक का एग्ज़ाम लिया जा सकता है जो दूसरे एग्ज़ाम में होता है, तो उसमें जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं अगर कोई इंडियन पॉलिटिक्स से पूछा जाता है वो बिल्कुल करंट में पूछा जाएगा। जैसे कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन है या गवर्नर कौन है, जो हाल ही में 2-4 पिछले महीनों में कोई घटना घटित हुई है उससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन होगा। तो डायरेक्ट जो स्टेटिक जीके जिसको बोलते हैं उस तरह का क्वेश्चन है वो एसएससी सीजिल में, यूपीएससी में, या जो स्टेट सर्विसेज है उसमें पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग कौन सी मेथडोलॉजी है वो अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि एसएससी सीजिल का एग्ज़ाम या वो स्टेट सर्विसेज के जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है उनको क्रैक कैसे किया जाए। उनमें लर्निंग मेथडोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दो तीन फायदे होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने से। एक, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। दूसरी बात, जब आप में समझ उत्पन्न होती है तो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहता है। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली याददाश्त करने के लिए जो मोटिवेशन होगा वो आपका ज़्यादा होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है, हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी और आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसको रट्टा मारने के बजाय आप बोल सकते हैं मेमोरी में सीधा जाए उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक है वो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब किसी किसी को कोई चीज़ याद करानी है, ये उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। आमतौर पे स्टूडेंट इसका कभी ज़िंदगी में शायद बहुत कम यूज़ किया होगा, लेकिन शायद पता नहीं होगा उनकी कि आमतौर पे जैपनीज टेक्निक बोला जाता है मैनेजमेंट में इसको, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एक्रोनिमस टेक्निक इसकी भी 5 या 10% यूज़ करेंगे, हालांकि मैं इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं होता हूँ। आमतौर पे बहुत लोअर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, और जो बोल सकते हैं टुच्ची टेक्निक, इसको घटिया स्तर की टेक्निक, 5-7% केसेस में फिर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और इससे समझ होने का कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इस टेक्निक का मतलब होता है एक्रोनिमिक्स, मतलब कि कोई आप उसके फर्स्ट, जैसे कि इसका फर्स्ट नाम ले लिया हमने, इस पूरी मेथोडोलॉजी का हमने फर्स्ट नाम ले लिया, उसको याद कर लिया, और फिर उसके अनुसार पूरे नाम आप उसको देख रहे हैं कि इसका क्या होगा। जैसे कई बार कई कंटिनेंट के नाम याद करता है या कई चीफ मिनिस्टर की याद करता है, तो इस टेक्निक का कई लोग सहारा लेते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि वो तब यूज़ होती है जब आप इसकी तरफ इग्नोर इस टेक्निक को इग्नोर कर दे, कॉन्सेप्ट को और ब्रेन स्टॉर्मिंग को, तब ये लोग करते हैं। तो मैं 5 या 10% केसेस के से ज़्यादा इसको यूज़ करने के पक्ष में नहीं हूँ। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एंड मॉडल क्वेश्चन चैप्टर वाइज, अगर आप फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आप बहुत डिटेल में क्वेश्चन करते हैं सारे, और पिछले सालों में जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं अगर हम लोग उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो एक ये कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा संभावना होती है उसकी, एक तो वो कवर होंगे। दूसरी बात कि जो उसके आसपास क्वेश्चन बनेंगे वो भी पूरे अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन उस तरह की वैरायटी के उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आपने कर लिए हैं। तीस जो अगला होगा ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली है तो उसके बाद जो अगला पोर्शन होगा कि आप उसको कितनी याद हुई है या नहीं हुई है टेस्ट कीजिए, और टेस्ट कहाँ पे होगा, टेस्ट होगा वो पोर्टल पे। तो ये जो टेक्निक है चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को हमें दोनों मीडियम पे अप्लाई करनी होगी। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में एज सच कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चंस में फ़र्क नहीं होंगे, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ़र्क होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से करने के बाद
ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे हर चैप्टर से रिलेटेड या हर पार्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। वो 100 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से दें, और अगर आपके 80+ स्कोर आए तो इसका मतलब आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आप 80+ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स में से, 40 नंबर का आपको टारगेट आज के टफ कॉम्पिटिशन में लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो 80% अगर चैप्टर वाइज में नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली जब पूरा एग्ज़ाम होगा उसमें 80% स्कोर करना बहुत मुश्किल होगा। और जो जीके में 80% स्कोर करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, मुझे लगता है वो जॉब के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे। तो ये जो टेक्निक है, हम इसको बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को, मेथोडोलॉजी को, उसको बोलेंगे हम लोग LB, LBAMO, लबामो। लबामो मेथोडोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, और उसका पूरा पर्पज़ होगा कि चीज़ों को याद कर लिया जाए, और कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए, एक्रोनिमिक टेक्निक को भी यूज़ करते हुए, MCQ और ऑनलाइन पोर्टल, ये 5 जो स्टेप होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होंगे, और ये हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए चलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो कंस्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट पहली बार इंडियन पॉलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो भटक सकते हैं। क्यों भटक सकते हैं? हालांकि वो बेसिक है, वो इसलिए कि वहाँ पे याद करने की चीज़ें कई बार ज़्यादा होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही एक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान वो इधर उधर होने की संभावना होती है। आपको इंडियन पॉलिटी बहुत आसान लगेगी अगर आप प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, और उसके बाद कंस्टिट्यूशन पे आते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एनालॉगस आप स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा फिर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेजिडेंट, यूनियन जुडिशरी, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंस्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच वन इज पार्ट या विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये पार्ट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप ये गवर्नेंस की बात करते हैं तो इंडियन गवर्नेंस 3 स्टेजेस पे होता है, 3 स्तर पे होता है। एक होता है सेंटर के लेवल पे, जैसे कि आप जानते होंगे सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है। फिर होता है स्टेट लेवल पे, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं केंद्र पे, वैसे ही स्टेट पे गवर्नर होता है, और जैसे सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे स्टेट पे चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे भी मिनिस्टर होंगे, जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो सकता है तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो सकता है। और उसके बाद थर्ड स्टेज होती है, थर्ड लेयर होती है, इनफैक्ट वो होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट होगी, और लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे कि मेयर, सरपंच, ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। हम डिटेल में जब पंचायती राज वो करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोटे तौर पे आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि 3 लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, वो इंडिया में होता है। हर देश में 3 लेयर्स, किस कोई भी ऐसा बड़ा कंट्री नहीं है जहाँ पे ये तीनों लेयर मौजूद हो। इंडिया गवर्नेंस के हिसाब से एक यूनिक कंट्री है जहाँ पे 3 लेयर्स है, वो तीनों वेल डेवलप्ड है। और कई देश तो ऐसे हैं जैसे कि जापान, सीधा सेंटर और सीधा फिर लोकल गवर्नमेंट। कई देश हैं जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे सेंट्रल स्टेट बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं दोनों स्ट्रोंग हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या है, स्टेट और सेंटर उसमें यूनिटरी गवर्नमेंट है, वो उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब जैसे कनाडा है,
कनाडा की तरह इंडिया की गवर्नेंस। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि बताओ इंडिया की जो यूनियन है वो इंडिया का जो सिस्टम है गवर्नेंस का वो किस किस देश के साथ सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आंसर कनाडा। और हम लोग ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो तीनों लेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इतनी चीज़ें आ रही है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जो यूनियन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें प्रेसिडेंट सबसे पहले आता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, और उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं रिपब्लिक क्या होता है। आपने नाम सुना होगा कि भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति जनता से, जनता द्वारा चुने जाते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन कई ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता जैसे कि इंग्लैंड, इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष जिसको महारानी बोलते हैं, वो हेरिडेटरी होता है। अगर हम जापान, ये नेपाल की बात करें, नेपाल में कुछ साल पहले तक जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता था वो हेरिडेटरी होता था। कि जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में वैसे हो, पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी, फिर इस तरह से अगर हो बिना इलेक्शन के ऑटोमेटिकली ही पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बनते जाएं, वो हेरिडेटरी होते हैं, रिपब्लिक नहीं होते। वो जो हेरिडेटरी होते हैं उनको मोनार्की बोला जाता है, मोनार्की इंग्लिश में। तो इंडिया में, इंडिया का जो प्रेजिडेंट है वो, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब कि इंडिया का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे कौन है, प्रेजिडेंट, वो डायरेक्टली जनता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे कि अभी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी वो इलेक्शन के जरिए प्रेसिडेंट बने हैं। अगर वो सीधे बनते हेरिडेटरी तो वो मोनार्कियल सिस्टम होता वहाँ पे, इंडिया में रिपब्लिक है। एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में किस तरह का है सिस्टम, रिपब्लिक है, गणतंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। हालांकि इंडिया का जो मेन इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जब संविधान बन रहा था तो एक मुद्दा आया था कि इंडिया का प्रेसिडेंट डायरेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट पे सहमति बनी, वो इसलिए कि अगर डायरेक्ट होता है तो चुनाव का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो सकता था, इसके ये दुष्परिणाम हो सकते थे। दूसरा कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो जनता उसको बहुत ज़्यादा करीब से जानती, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता, ऐसे सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन होने की संभावना, विवाद होने की संभावना ज़्यादा होती, क्योंकि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर अपनी बातें रख रहा है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति अपनी बातें रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इंडिया में जो प्रेजिडेंट होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव होता है। ज़्यादा पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, कि मंत्रिपरिषद और उसका जो मुखिया होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और उनकी सलाह से प्रेसिडेंट है वो काम करेंगे। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अब आता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज किसको बोलते हैं, निर्वाचन मंडल जिसको, वो जिसमें वोट देंगे। क्या इंडिया में सीधे जनता वोट देती है? ना, इंडिया में जनता वोट नहीं देती। वोट कौन देते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, द्विसदनात्मक प्रणाली इंडिया में होती है, बाइकैमरल प्रणाली इंडिया में है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दो, अपर हाउस और अपर हाउस लोकसभा, राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा, दो सदन होते हैं, और उसके इलेक्टेड मेंबर वही पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। इंडिया में 7 यूनियन टेरेटरीज हैं, लेकिन सिर्फ दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी है, पहले इसका नाम पौंडीचेरी होता था, पुडुचेरी है। वो दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वहीं पे एमएलए होंगे, और वो इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, क्योंकि गवर्नर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एक मनोनीत कर सकता है, मतलब नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन को, तो इलेक्टेड मेंबर है वो होने चाहिए। आप बोल सकते हैं कि राज्यों के और केंद्र के इलेक्टेड मेंबर, मतलब कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर वो पार्टिसिपेट करते हैं। कई राज्य ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि द्विसदनात्मक प्रणाली में होती है, जैसे कि बाइकैमरल होती है, इंग्लिश में बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद राज्यों में। तो विधान परिषद के
मेंबर होते हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे केंद्र पे पार्लियामेंट के स्तर पे लोकसभा होती है, पार्लियामेंट में कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ एक राज्यों में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जो नॉमिनेट, एक तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो कि बहुत ही जाने माने शिक्षाविद या इस तरह के लोग होते हैं उनको, और लोकसभा में भी दो एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं उनको। हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे कि कौन नॉमिनेटेड हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, और जो राज्यों की विधानसभा होती है उनके इलेक्टेड मेंबर। इनके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। हम पार्टिसिपेट नहीं करते, इससे रिलेटेड क्यों पूछ रहे हैं? क्यों आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के इलेक्शन में? तो आपको उस हिसाब से ये याद रखना जरूरी है। और एक याद रखिए कि जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, वो कौन करेगा? जो इलेक्टेड मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वही करेंगे। इफ असेंबली डिजॉल्व मेंबर चीजेस टू वोट इन इलेक्शन, बट इन केस ऑफ असेंबली सस्पेंडेड मेंबर कैन वोट। अगर चुनाव, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में, जब अगर आप CDS या IAS का एग्जाम देते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना होती है। SSC में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्या अगर एक विधानसभा को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसके मेंबर क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि वो अभी भंग नहीं हुई है। अगर भंग हो गई तो उसके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। भंग होने का मतलब कि नया इलेक्शन होगा, वो मेंबर नहीं रहा। लेकिन जैसे कि दिल्ली के केस में हुआ था, जब एक बार अरविंद केजरीवाल ने 46-47 दिन का शासन करने के बाद में इस्तीफा दे दिया था, तो काफ़ी टाइम के बाद वो काफ़ी टाइम तक भंग नहीं हुई थी, सस्पेंड रही थी, तो उस दौरान प्रेजेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे MLA, लेकिन एक बार भंग होने के बाद में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आता है आगे कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेजेंट वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप बोल सकते हैं कि ज़्यादातर एस्पिरेंट जो वो किसी भी एग्जाम के हो, सिविल इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड फंडे क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि ये इलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है प्रेजेंट का। देखो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि केंद्र के तौर पे भी और राज्यों के तौर पे भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टिसिपेट करते हैं वोट देने के लिए। अब जो MLA, जिसको कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, उसका एक वोट होगी, एक MLA होता है, उसकी एक वोट की कीमत नहीं होती, उसकी एक टोटल कीमत होती है वोट की, एक नहीं होती। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वोट की वैल्यू? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन 2.53 करोड़, ऐसे हर राज्य के अलग अलग, यूपी की लगभग 19-20 करोड़ के आसपास, तो उनकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे वो लोग नहीं जो वोट डालते हैं, वो कौन, ये कौन है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हरियाणा का एग्जाम्पल दूँ, तो टोटल पॉपुलेशन 2.53 करोड़ डिवाइड बाय 90 इलेक्टेड मेंबर, 90 सीट होती है हरियाणा विधानसभा में, तो डिवाइड बाय 90 इंटू 1/1000, इस तरह से करके एक वैल्यू, एक MLA के वोट की वैल्यू है वो देखी जाती है। अब इसका मतलब जैसे 2.53 करोड़ डिवाइड बाई 90 इंटू 1/1000, वो अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास आ जाता है, 200-250 के आसपास है आ जाएगा, और हर राज्य में अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा के बाद इस तरह इतना ही होता है। ये इसलिए किया गया ताकि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सभी राज्यों को उनकी पॉपुलेशन के अनुसार इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ये डिस्कशन हो रहा था, तो ये भी एक मुद्दा था कि कुछ लोगों का यह मानना था कि प्रोसेस को बहुत आसान बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि प्रोसेस आसान के बजाय ऐसा होना चाहिए जो सभी को रिप्रेजेंट किया जा सके, चाहे वो थोड़ा मुश्किल भी क्यों ना हो।
तो जो ये प्रोसेस है अभी अपनाया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो ये है कि मुश्किल है लेकिन सभी को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू ऑफ एन वोट ऑफ एमपी, अगर आपने एमएलए के वोट की वैल्यू कर ली, ऐसे ही सभी राज्यों में हर एमएलए की वोट की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया जाएगी। और उसके बाद सभी एमएलए, सभी राज्यों के एमएलए की जो वोट की टोटल वैल्यू है, मान लो वो आ जाती है जैसे कि 5 लाख के आसपास, आमतौर 5 से 6 लाख के बीच में होती है टोटल पॉपुलेशन, और सारा इस तरह से करेंगे कैलकुलेट, तो वो सारे सबको इंक्लूड कर दिया जाए, सबका टोटल कर दिया जाए, और जितनी उनकी वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स ऑफ ऑल एमएलए इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स ऑफ ऑल एमपी, वो सभी के बराबर हो जाएगी। और फिर एक एमपी की वैल्यू, वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कि जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स थी, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आमतौर पर 76 के आसपास ये आपको मिलेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 लाख वो है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स डिवाइड बाई 776, तो ये लगभग 700-800 के आसपास, या जितनी भी आती है उतनी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, अगर एक एमपी वोट डालता है, एग्जाम्पल के तौर पर 700 वोट के बराबर उसका वोट काउंट होगा, और अगर एमएलए डालता है तो उसके लगभग 200 के आसपास का काउंट होगा। तो इस तरह से जब एमपी वोट डालेगा और एमएलए वोट डालेगा तो ऐसे वोट पड़ेंगे। फिर आता है इलेक्टोरल कोटा क्या होता है। अब एमपी भी वोट डालेंगे, एमएलए भी वोट डालेंगे, अब क्या जो सबसे ज्यादा वोट आएगा वो जीतेगा, इसका प्रोसेस क्या है वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जो इलेक्टोरल कोटा होगा वो टू बी डिक्लेयर एज इलेक्टेड मस्ट सिक्योर ए फिक्स कोटा ऑफ वोट्स, मतलब जिसको इलेक्टोरल कोटा हासिल होगा या हासिल करना पड़ेगा वो विजेता होगा, और विजेता करने के लिए या इलेक्टोरल कोटा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइड बाय 2 + 1, मतलब कि आधे से ज़्यादा जिसके वोट आएंगे, वैलिड वोट आएंगे, वो विजेता होगा, वो इलेक्टोरल कोटा उसने उसके पक्ष में गया और वो विजेता बनेगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको 3-4 टर्मिनोलॉजी और आएगी वो भी समझ में आएगी। फिर वो 3-4 टर्मिनोलॉजी के पहले वो भी देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था उसमें सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब मीन्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, या फिर स्टेट है और सेंटर है, उसका पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अनुसार वोट की वैल्यू होती है और उसके अनुसार उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मीन्स ऑफ ए सिंगल, जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वो थी आनुपातिक प्रणाली। और इससे क्या मतलब क्या हुआ वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इस पर बहस भी हुई कंस्टिट्यूशन असेंबली में कि आप इसको, ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्योंकि ये मल्टीपल होता है, लेकिन हम ये देखने की कोशिश करें, मैं जब एग्जाम्पल दूंगा कि क्या वो सिंगल है, आप खुद जज कीजिए कि बहस क्यों हुई। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के इसमें यूज किया जाता है, सेक्रेट बैटल मतलब गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान, आप किसी को दिखा नहीं सकते, अगर आपने अपने दिखाया किसी को कि मैंने उसको वोट डाला है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3 टाइप की मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी जिसमें 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत जिसको बोलते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50%, और एक होता है सिंपल मेजोरिटी मतलब जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं। एक एमपी या एमएलए जो हम चुनते हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं, अगर 10 उम्मीदवार होते हैं तो वो बन जाते हैं सिंपल मेजोरिटी से, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आए वो विजेता घोषित। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता, वो हम देखने की कोशिश करेंगे जब अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं तब। फिर आता है प्रेफरेंशियल बाय मार्किंग 1, 2, 3, 4, डिस्प्यूट इन सुप्रीम कोर्ट। जो डिस्प्यूट होता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको सुलझाएगा, और जो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट है उसमें वो केस नहीं जा सकता। अगर इलेक्शन इस दौरान वॉइड घोषित हो जाता है, तो जो भी वॉइड का मतलब कि अगर आपका इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है, तो जितने भी आपके काम थे इस दौरान में राष्ट्रपति बनने के बाद में, वो वैलिड माने जाएंगे। जैसे कि बहुत सिंपल सा है कि अगर किसी को सजा दे दी है फांसी की,
और फांसी भी उसको लटका दिया गया, लेकिन पता चला बाद में राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो वॉइड था, तो क्या उसको वापस लाया जा सकता? ऑब्वियसली नहीं लाया जा सकता। इस तरह से ही कई जो सभी देशों के साथ किसी संधि होती है, राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, वो वापस नहीं हो सकती। एक्ट है वो वैलिड होते हैं उसके, भले इलेक्शन उसके खिलाफ क्यों ना, उसका वॉइड क्यों ना हो गया हो। अब हम देखने की कोशिश करते हैं जो ये 3-4 पॉइंट थे उसका वास्तव में मीनिंग क्या निकलता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 4 कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। एक ले लेते हैं मायावती, राष्ट्रपति के इलेक्शन में फिर है, एक ले लेते हैं स्मृति ईरानी, एक ले लेते हैं सुषमा स्वराज और एक ममता बनर्जी। अब 4 में जो एक तो क्या राष्ट्रपति के उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टी के रूप से प्रेजेंट नहीं होता, हालांकि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई खड़ा हुआ है, खड़ा इंडिविजुअल होता है, पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जैसे 4 कैंडिडेट है ये इंडिविजुअल वहाँ पे नजर आएंगे, जो MP MLA होगा, और जो पार्टी का स्टैंड है उसके अनुसार वो वोट डालेंगे और उसमें उनको प्रेफरेंस देनी होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रेफरेंस इन 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो MLA MP वोट डालेंगे उसको कि मेरी पहली प्रेफरेंस है फॉर एग्जांपल सुषमा स्वराज, दूसरी है ममता बनर्जी, तीसरी है स्मृति ईरानी और चौथी प्रेफरेंस है मायावती, एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा कैंडिडेट बोलता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मायावती, दूसरी सुषमा स्वराज, तीसरी स्मृति ईरानी और चौथी ममता बनर्जी। ऐसे करके MLA MP इस तरह से अपना वोट डालते हैं प्रेफरेंस के अनुसार में, और हर वोट की वैल्यू जैसे कि आपने देखा कैसे निकाली जाती है। फिर क्या होगा कि जो जिसके अब मान लो किसी के आए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए हैं 40% वोट मायावती की, 40% स्मृति ईरानी के, 30% सुषमा स्वराज के, 20% और ममता बनर्जी की 10%। अब यहाँ पे बताइए कि कौन विजेता हुआ, राष्ट्रपति कौन बनेगा? अभी हमें ये नहीं बता सकते कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि किसी के भी 50% वोट नहीं है। अगर ये MLA MP का इलेक्शन होता तो ऑब्वियसली मायावती यहाँ पे जीत सकती थी, लेकिन इस केस में अभी श्योर नहीं है कि मायावती जीतेगी या हारेगी। लेकिन जिसके सबसे वोट कम आते हैं, इस केस में ममता बनर्जी के वोट कम थे, वो बाहर, वो अब दौड़ से बाहर। अब अगला जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा कि इसके जो वोट, जो जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस सेकंड किसको दी थी, सेकंड प्रेफरेंस जिन्हों ममता बनर्जी तो अब नहीं है इस कंपटीशन में, अब वो बाहर हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी को जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, अब उनकी सेकंड प्रेफरेंस किसको थी? अगर मान लो सेकंड प्रेफरेंस थी स्मृति ईरानी को, तो उसके फॉर एग्जाम्पल 10% इसके वोट थे, 5% यहाँ पे 5% लोगों ने बोला स्मृति ईरानी को देंगे, और 4% बोला ममता बनर्जी को देंगे, और 1% बोला मायावती को देंगे। इस तरह से लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस के रूप में अपना वोट ऐसे दिया। अब यहाँ पे टोटल सुषमा स्वराज के वोट हुए 24, स्मृति ईरानी के हुए 33 और थर्टी फाइव और मायावती के 41, मायावती के 41। अब कौन जीता यहाँ पे भी अभी पता नहीं चला कौन जीता। अब इसका मतलब जिसके सबसे कम वोट थे, अब इस केस में सुषमा स्वराज के सबसे कम वोट है, सुषमा स्वराज कंपटीशन से बाहर, और जिन MLA या MP ने इनको वोट दिए थे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, या इस अब जो जिन लोगों ने इनकी प्रेफरेंस हो रही थी अभी, उनके वोट अब ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस जो उन्होंने दी है। मान लो 24 में से 10% लोगों ने मायावती को और 14% लोगों ने स्मृति ईरानी को अपनी नेक्स्ट प्रेफरेंस के रूप में चुना, तो उस केस में अब मायावती के जो वोट हुए हैं वो हैं 51% टोटल, और स्मृति ईरानी के वोट हुए टोटल
वो है 49%, 49%। अब बताओ कौन जीता? ऑब्वियसली यहाँ पे मायावती है, वो डिक्लेयर कर दी गई है राष्ट्रपति, भारत की अगली राष्ट्रपति के रूप में मायावती का इलेक्शन में विजयी होना ये सुनिश्चित हुआ है, क्योंकि 51% वोट हासिल हुए। जैसे कि एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, इलेक्टोरल कोटा, वो कोटा मायावती ने हासिल कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि उसके वोट नेक्स्ट प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए उसका नाम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रखा गया। और ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्यों? क्योंकि मोर देन 50%। सेक्रेट बैलेट क्यों? क्योंकि वो आप दिखाकर वोट नहीं डाल सकते, गुप्त मतदान होगा। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि राज्यों का, हर राज्य के एमएलए की वोट की कीमत अलग अलग है और वो उनके पॉपुलेशन के अनुसार है। और ऐसे ही स्टेट और जो सेंटर है, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, कि जितने स्टेट में टोटल वोट की वैल्यू होगी उतनी ही एमपी के वोट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, जो कि संवैधानिक सभा ने खुद माना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन ये भी माना गया कि अगर एमएलए एमपी इस प्रोसेस को नहीं समझ सकते तो वो इस बात के भी लायक नहीं होंगे कि वो एमएलए एमपी बने। अब आता है कि कौन कौन से अभी तक हमारे राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसमें भी सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में, और उसके बाद 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार लगातार बोल सकते हैं 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन 5 साल के लिए, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन वो 5 साल के लिए, वो 2 साल के लिए, उसके बाद वीवी गिरी, और फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी है। नीलम संजीवा रेड्डी को अन अपोजिट घोषित किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम में वो थे, लेकिन बाद में नीलम संजीवा रेड्डी अन अपोज्ड है वो बने। ज्ञानी जैल सिंह 1982 में, और उसके बाद 1987 में आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायणन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भारत के एकमात्र मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, एकमात्र नहीं, जो कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, हो सकता है इनमें भी हो, लेकिन ज़्यादा साइंस के रूप में, साइंसदान के रूप में जाना जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट भी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिस प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो अभी भी हैं। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की लिस्ट। ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है। आंसर है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के 14th राष्ट्रपति, या फिर इस रूप में जाना जा सकता है कि वो कौन से थे राष्ट्रपति जो कि जिनको अन अपोज्ड है इलेक्ट किया गया था। तो है नीलम संजीवा रेड्डी। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद है, उनका उस कार्यकाल, जब उनका कार्यकाल चल रहा था राष्ट्रपति का, तब उनका देहांत हो गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज डेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। आंसर इज फखरुद्दीन अली अहमद, और अगर आपके ऑप्शन में जाकिर हुसैन है तो जाकिर हुसैन। फिर आता है, अगर मैं बात करूं कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत हुआ था 1969 में, तो उस टाइम में वीवी गिरी, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अदा किया था, और उसके बाद वीवी गिरी ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम में एम हिदायतुल्ला, उन्होंने प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है वो संभाला था, एज ए प्रेजिडेंट के रूप में काम किया था, और जो भी प्रेजिडेंट के रूप में काम करता है उसको प्रेजिडेंट की शपथ लेनी होती है। तो 1969 में, हालांकि 2-3 महीने के आसपास ही एम हिदायतुल्ला ने काम किया था, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है कि वो कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। तो आप उस नज़र से भी इसको देख सकते हैं। फिर आता है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड
कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के लिए कुछ भी नहीं होती, एक अनपढ़ आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है। यह अलग बात है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए 40 लाख लोग अप्लाई करेंगे, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके की दुनिया भर की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत आसान क्वालिफिकेशन है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो 35 साल उम्र होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के रूप में वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि समकक्ष होना चाहिए। अगर कोई बंदा लोकसभा में एमपी बन सकता है तो राष्ट्रपति भी वो क्वालिफाइड है उसके लिए। यहाँ पे इसका मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात हो रही है। पीपल, अगर जैसे कि अगर किसी को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है एमपी का। उसी तरह जैसे चौटाला है हरियाणा से, उनको 2 साल से ज़्यादा एक सज़ा है, वो एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अगर एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते लोकसभा के एमपी का, तो इसका राष्ट्रपति का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। तो ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या कोई टीचर है, सरकारी टीचर या चपरासी, वो इलेक्शन लड़ सकता है? वो इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं काबिल हो रही है, मतलब उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तनख्वाह 2 जगह से नहीं आ सकती। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको, जब आप राष्ट्रपति का पर्चा फाइल करते हैं उस टाइम में आपके पास 50 इलेक्टोरल, मतलब 50 एमएलए या एमपी में से वो होनी चाहिए जो आपके नाम का आगे बढ़ाएं, और 50 है वो आपके नाम का समर्थन करें। 50 आपके पास प्रस्ताव होने चाहिए, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करें, मतलब जो पीछे बोले हाँ हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं। और 15,000 रुपये की आपके पास राशि होनी चाहिए, आरबीआई में जमा करवानी है। और अगर आपकी जमानत जब्त हो जाती है, जो कि 1/6 जमानत जब्त होने के लिए 1/6 आपके टोटल वोट्स में आपको मिलने चाहिए, तो अगर उससे कम आते हैं तो आपको 15,000 का नुकसान हो सकता है। राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को ओथ दिलाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। या अगर बाई चांस खुदा ने खास्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम में मौजूद नहीं है किसी कारणवश, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और क्या कंडीशन है राष्ट्रपति के लिए? कि वो एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर एमएलए एमपी है, जैसे कि राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी उस टाइम में बने थे तो एमपी थे, उन्होंने अपना पहले एमपी का जो डेजिग्नेशन थी पद था वो रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद इलेक्शन लड़ा। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उस टाइम में वो नहीं होना चाहिए। इमोलमेंट अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिस्ड, राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो उसकी तनख्वाह या भत्ते होते हैं उसको कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को एक खास बात और होती है कि उसको लीगल इम्यूनिटी होती है राष्ट्रपति के लिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का कोई केस उस उनके खिलाफ राष्ट्रपति होते हुए नहीं चलाया जा सकता। सिविल प्रोसीडिंग, जिसको दीवानी मुकदमे बोलते हैं हिंदी में, एक आपराधिक होता है क्रिमिनल और ऑफेंस, और एक होता है दीवानी, मतलब कि सिविल सूट, जैसे कि शादीवादी से रिलेटेड है, इस तरह के जो सूट होते हैं उसको सिविल बोलेंगे। वो मुकदमे हो सकते हैं 2 महीने के प्रायर नोटिस पे, हालांकि आमतौर पर इस तरह का होगा नहीं कभी, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद ही रेजिग्नेशन दे देगा इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन फिर भी एक प्रावधान है आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति की वर्तमान में सैलरी है 1.5 लाख, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में एक प्रस्ताव है जिसमें कि सरकार अभी बहुत ज़्यादा, कैबिनेट जो सेक्रेटरी होती है उसकी सैलरी अब ज़्यादा हो गई है प्रेजिडेंट से, तो बहुत ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गई है सरकार के सामने। और प्रस्ताव है कि 5 लाख सैलरी अब होगी आने वाले टाइम में, लेकिन क्योंकि जब तक होती नहीं है तब तक आपको 1.5 लाख ही कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इस पर थोड़ा नज़र रखें कि कब सैलरी बढ़ती है, और आपका जो एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। और जितनी सैलरी होती है उसका 50% पेंशन होती है, तो ये पर मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, कई बार कैलकुलेट कर सकते हैं आपको 12 से मल्टीप्लाई करके, तो पर ईयर की सैलरी भी आ जाएगी। अब आता है टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर मान लो 5 साल में अगला चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाता है, या राष्ट्रपति उसके जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक वो रहता है, से वो 5 साल के बाद कुछ एक महीने भी क्यों ना हो जाए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि राष्ट्रपति
का 5 साल होने से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और 5 साल पहले ही उसका पूरा के लिए नए राष्ट्रपति का बंदोबस्त कर लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन देगा वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। मतलब कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको ये रेजिग्नेशन भेजेंगे, अगर इनको रिजाइन करना है तो, वाया लोकसभा अध्यक्ष, वाया लोकसभा अध्यक्ष कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये प्रोविजन है महाअभियोग, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट और हिंदी में बोलते हैं महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आएगा, और जब सदन में आएगा हम देखते हैं प्रोसेस क्या है इसका। कैन 5 साल के बाद भी वो जब तक नया नहीं आता है तो वो उस पद पर रहेगा राष्ट्रपति जी, लेकिन कार्यकाल 5 साल ही होगा। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। भारत में कितनी बार लड़ सकते हैं? कितनी बार भी लड़ सकते हैं, 10 बार भी लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन राष्ट्रपति नहीं लड़ सकते, जैसे कि ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बने थे, पहले बिल क्लिंटन भी 2 बार बने थे। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाने की बात चल रही थी, तो अगर हटाना है कब हटाया जा सकता है? जब संविधान का उल्लंघन हो, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें पाया जाना चाहिए कि वास्तव में कोई उल्लंघन हुआ। उल्लंघन किस तरह का हो सकता है? कि अगर जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की बात न मानी जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर या कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइड करते हैं, उनकी बात माना राष्ट्रपति के लिए अपरिहार्य है। मतलब उनको मना नहीं किया जा सकता, वो नॉमिनल एग्जेक्टिव है सिर्फ। तो किसी भी सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। प्रस्ताव आने के लिए 1/4 मेंबर होने चाहिए उस हाउस के जो साइन करेंगे कि हम ये नोटिस देना चाहते हैं। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उस हाउस में वो प्रस्ताव है स्वीकार किया जाएगा और वो इनिशिएशन हो जाएगा इम्पीचमेंट का। और अगर वो पास हो जाता है बिल, क्योंकि ये बिल बिल के रूप में माना जाता है, इसको बिल पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से, और 2/3 मेजोरिटी किसकी? टोटल मेंबरशिप, जिसको स्पेशल मेजोरिटी भी बोला जाता है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, दोनों सदनों में ये उस सदन में पास हो जाता है तो उस केस में अगले सदन में जाएगा। अगला हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा कि मामला जो लगाया गया आरोप कहीं की दुर्भावना खिलाफ तो दुर्भावना से तो नहीं लगाया गया, या वास्तव में संविधान का उल्लंघन हुआ है। अगर ये पाया जाता है उल्लंघन, और उसके बाद वोटिंग होती है 2/3 मेंबरशिप और 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से अगर वो पास हो जाता है बिल, तो जिस दिन बिल पास हुआ है उसी दिन ही राष्ट्रपति का हटना तय, मतलब हट जाएंगे राष्ट्रपति। आगे सिग्नेचर किसी के नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति तो खुद ही थे। अभी तक कोई भी राष्ट्रपति है वो हटाए नहीं गए हैं, अभी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि राष्ट्रपति को इंडिया में बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेबल पोस्ट होती है, और इस तरह की अभी किसी के खिलाफ आरोप नहीं लगे हैं। अगर राष्ट्रपति की वैकेंसी कब हो सकती है? आपने SSC CGL में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश एक बार ये भी हो सकती है आने वाले टाइम में, किसी को क्या पता कि राष्ट्रपति की भी वैकेंसी हो और आपका वहाँ अप्लाई करना पड़े। एनीवे, बाय एक्सपायरी ऑफ इज 5-ईयर टर्म, 5 साल की अगर टर्म पूरी हो जाती है तो वैकेंसी मानी जाएगी, उसमें नया राष्ट्रपति चुनने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट होगी, या फिर वो बीच में रिजाइन कर दें तो वैकेंसी हो जाएगी, या इम्पीचमेंट से हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति को वैकेंसी हो जाएगी महाभियोग से हटाएंगे तो, या बाय चांस डेथ हो जाती है, जैसे कि जैसे मैंने बताया 2 प्रेसिडेंट ऑलरेडी इस दौरान इस तरह के हादसे हो चुके हैं जिसमें डेथ हुई उनकी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, तो वैकेंसी हो जाएगी। या फिर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट उसको डिसक्वालीफाई कर दे, इलेक्शन उसका रद्द हो जाए, उनका रद्द हो जाए तो डिसक्वालिफिकेशन माना जाएगा, वैकेंसी हो जाएगी। इलेक्शन विद इन 6 मंथ इन केस ऑफ वैकेंसी वो करवाना जरूरी होता है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस बात को जरूर रखें कि कितने समय में इलेक्शन हो जाना चाहिए, 6 महीने के बाद। जैसे ही वैकेंसी हुई उसमें उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति का काम करेंगे, और जो भी नया राष्ट्रपति आएगा वो इलेक्शन से आएगा और वो 5 साल तक रहेगा। जैसे अमेरिका में ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है इसके। इन वाइस प्रेसिडेंट नॉट अवेलेबल, अगर बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, या किसी कारण वो जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं या और कोई रीजन है वो नहीं अवेलेबल होना चाहते, तो वाइस प्रेसिडेंट की बजाय फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी भूमिका निभाएंगे। अगर बाई चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति की भूमिका निभाए, अभी तक ऐसा आया नहीं है।
मामला। अब आते हैं आगे, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। हम प्रेजिडेंट की पावर को 7 भागों में बांट सकते हैं। एक है एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको कार्यकारी शक्तियां बोलते हैं। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। लॉ से रिलेटेड है ये, प्रशासन से रिलेटेड है, शासन से रिलेटेड। ये फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ, पैसे से रिलेटेड। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ जिसको बोलते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक शक्तियाँ, जो से संधियाँ होती है या राजदूत वगैरह अपॉइंट करते हैं उससे रिलेटेड। मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियाँ। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन सिचुएशन में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, क्या पावर हो सकती है। ये सारे पावर हम लोग डिटेल में करेंगे अगली प्रेजेंटेशन में। इस प्रेजेंटेशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।